जिस तरीके से कोरोना की कोई शर्तिया इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, ऐसे में जब कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और बहुत सीरियस नहीं है, कई लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं जिनको पॉजिटिव निकलता है लेकिन न उनको खांसी है, जुकाम, सर्दी कुछ भी नहीं है, तो उनको तो चलिए क्वारंटाइन कर दिया आपने, ऑब्जर्वेशन में रख दिया, लेकिन जिनके अंदर सिम्टम हैं उनको किस तरह की दवाएं दी जा रही हैं? को सिम्टम है उसमें एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे फीवर है तो पैरासिटामोल जैसी दवाई फीवर के लिए दे रहे हैं जी। अब कुछ इस तरह का भी हम लोगों के उसमें आया है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन जी जैसी दवाई जिसका कि एक आईसीएमआर ने भी बताया है कि एक निर्धारित डोज डॉक्टर तय करते हैं और वो डोज दी जा सकती है, तो ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में क्लोरोक्वीन दवाई भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यदि उनको और उनकी लाइफस्टाइल जैसा बताया कि उनकी डाइट नॉर्मल हो, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव करा जाए, तो ऐसे लोग भी इंप्रूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको गंभीर समस्या होगी। मगर उनके साथ अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या वो इस तरह की दवाओं पर है जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तो उस केस में कुछ विशेष दवाओं का भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी भी क्लोरोक्वीन और जिंक प्रिपरेशन, विटामिन्स, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इनको दिया जा सकता है। और डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में तो खांसी, सर्दी, जुकाम ये आम बीमारियाँ हैं और सबको इसका शर्तिया इलाज पता है कि भाई अगर किसी को सिनारेस सूट करती है तो सिनारेस ले लेता है, किसी को एजिथ्रोमाइसिन गले में इन्फेक्शन है तो ले लेता है, कोई ऑगमेंटिन 650 ले लेता है, ज़्यादा फीवर है तो डोलो 650 पैरासीटामॉल लोग ले लेते हैं, ऐसे में अगर आज जरा सा शरीर गर्म होता है, गले में खराश होती है तो लोग डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, थोड़ा बार बार एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, आप कैसे एजुकेट करेंगे कि भाई घबराइए नहीं, आपको कोरोना नहीं है अगर इस तरह का कोई सिम्टम, इस तरह कोई चीज़ दिख रही है, क्योंकि लोग पहले तो अपना इलाज कर लेते थे, लोग आजकल डर भी रहे हैं कि कहीं मैंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया, बताया, कहीं मुझे क्वारंटीन करके ना रख दिया जाए, एक सोशल सिक्योरिटी, फैमिली से दूर जाने की फीलिंग, कई तरह की फीलिंग जो है लोगों को मन में सता रही है और लोग भय से कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आपने लॉकडाउन तोड़ा है और आप फॉलो नहीं किए हैं इंस्ट्रक्शन, आप अपने को एक्सपोज किए हैं, तो ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, अगर वो फ्लू का सिम्टम भी अगर होता है तो आपको कोरोना तो चेक करना ही होगा। लेकिन आप स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो किए हैं और आपका एक्सपोजर नहीं है, किसी नोन जगह पे नहीं गए हैं जहां पर लोग रहे हैं इकट्ठा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग की है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये कम्युनिटी लेवल पे इसका आउटब्रेक नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के द्वारा बात करके दवाएं ले सकते हैं, जैसे आपने कहा एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोक्वीन का कॉम्बिनेशन भी इस तरह के डिजीज में सिम्टोमेटिक पेशेंट में लोगों ने ट्राई किया है। हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन में कार्डियक प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि दोनों ड्रग कार्डियक अफेक्ट करती है और दोनों के बेनिफिट अगर नहीं है, तो अभी भी मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि दोनों ड्रग को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। या तो आप क्लोरोक्वीन लें या फिर एजिथ्रोमाइसिन लें, अगर एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं ये सोच के कि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं है तो आप ले सकते हैं।